हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एच टू ओ स्टडी चैनल में। देखिए, आज हम लोग फिजिक्स में एक नया टॉपिक, नया पॉइंट उठा के उसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम लोग देखते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग का थ्योरी रहेगा, और आज एक आप लोग को एक वीडियो अपलोड करेंगे। मैथ का सेशन है, वो वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को दोपहर 11 बजे वीडियो अपलोड करेंगे। उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, अच्छा पॉइंट है, अच्छा चीज बताया हुआ है उसमें, उसको आप लोग एक बार जरूर देखिएगा और पूरा देखिएगा वीडियो, और उससे बार बार क्वेश्चन पूछता है। आज कॉन्सेप्ट अभी बता रहे फिजिक्स में, उसको भी बहुत ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा तो बेटर रहेगा। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, नोट्स नहीं मतलब एक कॉपी में लिख लीजिए, ताकि बाद में फिर वीडियो नहीं देखना पड़े, नहीं तो बाद में फिर भी वीडियो देखना पड़ेगा। और जो पहले जितना भी पढ़ा चुके हैं सब रिपीट करते रहिएगा वीडियो, रुकिएगा मत, जहां एक बार रुक जाइएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए बस रुकता नहीं है, क्या करना, चलते रहना कछुआ के चाल से। ये नहीं कि एक ही बार तेजी से भाग जाना है, एक ही बार एकदम स्लो हो जाना है, तो ऐसे नहीं करना, एकदम मस्त से कछुआ के चाल से क्या करना है, चलते रहना है, धीरे 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 मंजिल की ओर। मंजिल जरूर मिलेगी, मंजिल एक ना एक दिन जरूर मिलेगी, बस हम लोग को क्या करना है, मेहनत करते रहना है। तो चलिए, आज का टॉपिक का नाम है एनर्जी। क्या एनर्जी? एनर्जी मतलब ऊर्जा। हाउ इज द जोश? हाय सर, जोश मतलब क्या एनर्जी। अब एनर्जी आखिर होता क्या है? देखिए, एनर्जी कहने का मतलब है जो कार्य करने का क्षमता होता है, जो कार्य करने का पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल टू डू वर्क, जो हमारे पास क्षमता है टू डू वर्क, काम करने का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। ऊर्जा हमारे शरीर में आखिर जितना एनर्जी स्टोर है उसी के मुताबिक तो हम लोग कोई काम कर सकते हैं। एक बोलिएगा, एक लिक्की पिक्की पूरा मतलब पतला पतला लड़का है या पतली लड़की है, उसको बोलिएगा कि नहीं तुम जाके खेत में जाके मिट्टी काटो, तो कभी काट पाएगी या काट पाएगा? ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, थोड़ा किसान का बेटा चाहिए, एकदम पूरा हिस्ट पुष्ट चाहिए, एकदम वो हर एक चीज को झेल सके, धूप को झेल सके, पानी को झेल सके, बारिश को झेल सके, हर एक चीज को झेल सके और मेहनत कर सके, वही जाके मिट्टी काट सकता। तो क्यों? क्योंकि उसके पास उतना एनर्जी है। तो एनर्जी ऊर्जा मतलब क्या, जिसके पास कार्य करने का जितना ही कैपेसिटी रहेगा उसके पास उतना ही ऊर्जा रहेगा, और जिसके पास जो कार्य करने का कैपेसिटी होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी। ठीक, तो देखिए अब यहां से देखते हैं, एनर्जी तो समझ गए। अब एनर्जी क्या है? एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको भी याद रखिएगा, क्वांटिटी भूलिएगा नहीं, चाहे जिस पॉइंट को पढ़ते हैं उस पॉइंट में क्वांटिटी को जरूर मेंशन करना है। तो यहां से याद रखना है कि एनर्जी क्या है, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कहने का मतलब कि इसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं किया हुआ रहता, ये मेंशन नहीं किया हुआ रहता कि भाई तोरा बाबू एनर्जी लगाना है तो यही डायरेक्शन में एनर्जी लगाना है, ऐसा कुछ नहीं। एनर्जी आप कहीं भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, इसमें केवल और केवल इसका मैग्नीट्यूड ही होता है, मैग्नीट्यूड होता है कि एनर्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं कि आपके अंदर कितना एनर्जी है, कितना एनर्जी स्टोर करके रखे हैं। एनर्जी मतलब कितना नॉलेज स्टोर करके रखे हैं, उसके अनुसार आपका कैपेसिटी पता चल जाएगा कि आप कितना तेज हैं और कितना ज्यादा तेज है। ठीक, कितना तेज है या कितना ज्यादा तेज है ये पता चल जाएगा आपके नॉलेज पे। उसी तरह एनर्जी है कि आप कैसा हैं, ये नहीं कि बहुत सारे बंदे ऐसे भी होते हैं ना, पूरा देखने में लगेंगे हिस्ट पुष्ट रहेंगे, पूरा मस्त हेल्दी रहेंगे, लेकिन उनके पास जो एनर्जी है ना, थोड़ा सा भी काम करने के लिए कहीं लगाएगा तो तुरंत थक जाएंगे। तो उन लोगों के पास स्टोर्ड एनर्जी नहीं है, बस केवल दिखावा वाला एनर्जी है। ठीक, तो दिखावा वाला कब तक चलेगा? ज्यादा दिन तक दिखावा वाला नहीं चलता। तो देखिए, एनर्जी मतलब ऊर्जा, ऊर्जा समझे, ऊर्जा क्या है, एक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, और एनर्जी को हम लोग जनरली मेजरमेंट करते हैं एसआई यूनिट में, एनर्जी को हम लोग मेजरमेंट करते हैं जूल में, और इसका सीजीएस मात्रक, देखिए एसआई मात्रक क्या है, इसका एसआई मात्रक है जूल, जो मेन मेन पॉइंट है, मेन मेन चीज है उसी को मेंशन कर रहे हैं। इसका एसआई मात्रक क्या है, जूल, और इसका सीजीएस मात्रक क्या है, और सीजीएस मात्रक क्या है, और एक चीज याद रखिएगा, एक जूल बराबर क्या होता है, 10^7 अर्ग,
क्या 1 जूल बराबर 10 टू द पावर 7 अर्ग, और अगर यहां से एक अर्ग निकालना चाहे 1 अर्ग बराबर क्या आ जाएगा 10 टू द पावर -7 जूल। इस पॉइंट को जरूर ध्यान में रखिएगा, इसको भूलिएगा मत। और ये तो इनर्जी हो गया हम लोग का शरीर का इनर्जी, और इसी इनर्जी को कभी कभी ना हम लोग बिजली को मेजरमेंट करने के लिए भी यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, बिजली को मेजरमेंट करने के लिए जिस इनर्जी का उपयोग किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब उसको यूनिट में मेजरमेंट किया जाता है। जैसे 1 किलोवाट घंटा, ये क्या है, इनर्जी, विद्युत ऊर्जा का, इलेक्ट्रिकल इनर्जी का क्या व्यावसायिक यूनिट है, इलेक्ट्रिकल इनर्जी का व्यवसायिक यूनिट। आप देखते हैं 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, जैसे 1 किलोवाट को वाट में चेंज करेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, घंटा को मिनट में चेंज करते हैं, सॉरी सेकेंड में, क्योंकि घंटा का यानी समय का ऐसा मात्रक सेकेंड होता है। तो 60 × 60 देखते हैं, 6×36 × 1, 2, 3, 4, 5 10^5, मतलब क्या हो जाएगा, अगर पॉइंट यहां इसको इधर करते हैं तो 3.6 × 10^6 जूल लिख देते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10^6 जूल होता है, इसको याद रखिएगा। और 1 किलोवाट घंटा को हम लोग क्या बोलते हैं, एक यूनिट भी बोलते हैं, 1 किलोवाट घंटा को क्या हम लोग बोलते हैं, एक यूनिट। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और इसका कहाँ यूज करते हैं, जहां पे इलेक्ट्रिकल इनर्जी के बारे में, विद्युत ऊर्जा के बारे में जहां भी मेंशन किया हुआ रहेगा, जो भी हम लोग के घर में बिजली बिल ये सब आता है, वो सब यही किलोवाट घंटा के रूप में आता है। अब ठीक है, ये तो किलोवाट घंटा वाला रूप हो गया, लेकिन जो हम लोग के शरीर में इनर्जी स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, जो हम लोग के शरीर में इनर्जी स्टोर होता है वो कैलोरी, क्या कैलोरी, कैलोरी के फॉर्म में रहता है, कि इतना कैलोरी हम लोग के अंदर इनर्जी है। आप लोग जैसे बॉर्न बिट्टा ये सब क्या क्या आता है पता नहीं, ऐसे ही मतलब उस सबका डब्बा जो होता है ना, क्या क्या और आता है, हॉर्लिक्स रहता है और क्या क्या चीज रहता है, वो सब का डब्बा में देखिएगा कि उसमें लिखा हुआ रहता है कि इसमें कितना कैलोरी एनर्जी डाला हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, एक जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है, क्या 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी। कैलोरी किसका ऐसा यूनिट है, जो हम लोग खाद्य पदार्थ होता है, जो खाने वाला सामान होता है, उसमें जो भी एनर्जी स्टोर किया हुआ रहता है वो कैलोरी के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर किया हुआ रहता है। तो यहां से याद रखना है, 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी, और अगर 1 कैलोरी बराबर निकालना चाहे, 1 कैलोरी बराबर तो क्या आ जाएगा, 100 बटा 24 मतलब वही 4.18 जूल के आसपास आएगा, 100 बटा 24 हाँ 4.1817 वही। तो यहां से ध्यान रखिएगा, एक कैलोरी बराबर कितना एनर्जी, कितना जूल होता है, 4.18 जूल होता है। इस पॉइंट को भी जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। तो कैलोरी के मतलब समझ गए। अब देखिए, और जनरली जो मार्केट है उस मार्केट में डिफरेंट टाइप का, जो हम लोग का एनवायरमेंट है उस एनवायरमेंट में डिफरेंट टाइप का एनर्जी स्टोर रहता है, एनर्जी हम लोग के इन्वायरमेंट में। आई होप सब समझ में आ रहा होगा, ज्यादा भाष्य अभी कुछ पढ़ा नहीं रहे, केवल बस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए, इन्वायरमेंट में और किस किस फॉर्म में एनर्जी रह सकता है, जैसे सोलर एनर्जी के फॉर्म में रह सकता है, सूर्य ऊर्जा के रूप में फोचा हो सकता है, जैसे हम लोग को धूप जो रहता है, धूप में भी क्या है, उसमें भी क्या है, एनर्जी है, जो सूर्य से जो भी रेडिएशन के रूप में हमारे अर्थ तक आता है उसमें एनर्जी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सौर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी के रूप में भी हम लोग को एनर्जी मिलता है, हीट एनर्जी, उष्मा, गर्म किसी चीज को कीजिए तो वहां से भी एनर्जी मिलता है। जैसे हम लोग ठंडा के दिन में क्या रहता है, शरीर पूरा कांप रहा है, एकदम ठिठुर ऐसा कर रहे हैं, इसके बाद जब हम लोग गैस का या आगे का कहीं भी हाथ सेकने जाते हैं तो आराम से वहां पे क्या करते हैं हाथ सेक लेते हैं। और जैसे ही आग हमको लोग को जैसे ही टच करता है, वैसे ही तुरंत क्या होता है, हम लोग के शरीर के अंदर एक अलग टाइप का एनर्जी फील होना शुरू हो जाता है। तो हीट के रूप में भी एनर्जी रहता है, केमिकल के रूप में भी एनर्जी रहता है, जैसे देखिए बैटरी ये सब यूज करते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं उसमें भी बैटरी है, फिर बिजली बन रहा है उसमें भी सब, तो केमिकल के फॉर्म में भी एनर्जी जनरेट रहता है, इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में भी एनर्जी जनरेट रहता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसको बोलते हैं, अगर आप लोगों के सामने लाइट जल रहा होगा तो वो भी क्या, वो भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है। न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में भी रहता है, साउंड एनर्जी
साउंड में भी इनर्जी होता है, जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ से तो माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड फिर आप लोग के पास जा रहा है, आप लोग भी बोलते होंगे तो आप लोग के पास वो जो साउंड है, साउंड एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, आखिर साउंड में कुछ तो इनर्जी है, तब ना वो एक ट्रेवल कर रहा है। बिना इनर्जी के तो कोई जिंदा रह नहीं सकता है, कोई एक जगह से दूसरे जगह जा नहीं सकता है। तो उसमें भी क्या है, साउंड में भी एक इनर्जी है, मैग्नेटिक इनर्जी है, मैग्नेट में भी क्या है, इनर्जी है, मैग्नेट में भी क्या है, इनर्जी है। और एक होता है मैकेनिकल इनर्जी। मैकेनिकल इनर्जी किसको बोलते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्थिति मतलब उसका पोजीशन, उसका शेप या साइज हम लोग चेंज करेंगे ना, तो उसके अंदर एक अलग टाइप का इनर्जी जेनरेट हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल इनर्जी। जैसे देखिए मैकेनिकल इनर्जी कहने का मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट में या तो मोशन में उसको कर दिए, गति में कर दिए, या उसका शेप चेंज कर दिए, साइज चेंज कर दिए, और उसमें एक इनर्जी जेनरेट हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल इनर्जी। अब यहाँ से इस पॉइंट को धर के आगे थोड़ा बढ़ते हैं, अब देखते हैं यहाँ मैकेनिकल इनर्जी। देखिए मैकेनिकल इनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल इनर्जी हम क्या बोले कि जिस ऑब्जेक्ट में शेप साइज चेंज होता है या कोई भी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी आ जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल इनर्जी। तो मैकेनिकल इनर्जी दो इनर्जी से मिलकर बना हुआ है, यानी मैकेनिकल इनर्जी को दो पार्ट में बांटा गया है, कौन कौन सा, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा, और एक काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। और जब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को मिला देते हैं तो हम लोग को मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा का निर्माण होता है। तो एकक एकक करके यहाँ देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा देखते हैं, इसका फिर एग्जाम्पल दो चार देखेंगे, इसके बाद फिर काइनेटिक एनर्जी देखेंगे, फिर दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे, फिर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में एक रिलेशन होता है उसको देखेंगे, फिर किस किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पूछेगा उसको देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं क्या कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी नाम से ही पता चल रहा है, पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब अंतर, इनर्जी पोटेंशियल, पोटेंशियल कहने का मतलब जहां भी पोटेंशियल शब्द आ जाए तो एक ज्यादा दूसरा कम, जैसे पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा रहे थे आप लोग इलेक्ट्रिक में, वहां भी समझाए थे कि एक ज्यादा तो दूसरा कम, मतलब पोटेंशियल मतलब क्या कि एक ज्यादा और दूसरा कम, ये ढलान है, ढलान। जैसे पोटेंशियल इनर्जी कहने का मतलब दो आदमी, एक पूरा पूरा हिस्ट पुष्ट है, एकदम बलवान है, और एक पूरा कमजोर है, तो भाई बलवान वाला तो ऐसे ही उसको हरा देगा। तो वहां पे क्या है, वहां पे एक पोटेंशियल इनर्जी डिफरेंस हो रहा है, मतलब क्या कि अब फिर इसको इस टर्म में ले जाइएगा फिजिक्स में, तो पोटेंशियल इनर्जी यहाँ पे ऐसे डिफाइन किया गया है ना कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में शेप साइज पोजिशन चेंज कर रहे हैं तो उसमें क्या जनरली जनरेट हो जा रहा है, पोटेंशियल इनर्जी जनरेट हो जा रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट को जैसे क्या कर रहे हैं हम लोग को, मान लीजिए इस पेन को नीचे रखे, इस पेन को उठा के थोड़ा ऊपर कर दिए, तो इसमें कौन सा इनर्जी जनरेट हो गया, इसमें पोटेंशियल इनर्जी जनरेट हो जा रहा है ऊपर कर रहे हैं। तो पोटेंशियल इनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा, नाम से पता चल रहा है स्थितिज, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट का स्थिति को, उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, पोटेंशियल इनर्जी। पोटेंशियल इनर्जी को मेजरमेंट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, पोटेंशियल इनर्जी को मेजरमेंट करने के लिए MGH का यूज किया जाता है। हम लोग अभी समझे कि पोटेंशियल इनर्जी, इनर्जी क्या है, इनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो भाई पोटेंशियल इनर्जी भी वही होगा, स्केलर क्वांटिटी। तो पोटेंशियल इनर्जी को मेजरमेंट करने के लिए MGH का यूज करते हैं। अब यहाँ MGH क्या है, MGH मतलब कि मास, जिस ऑब्जेक्ट का शेप साइज पोजीशन चेंज कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का मास का जरूरी पड़ेगा, प्लस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का जरूरी पड़ेगा। जी बराबर कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जनरली यही होता है। फिर हाइट, कितना उसको ऊपर उठा दिए, कितना मतलब ऑब्जेक्ट को ऊपर ले गए या कितना आगे पीछे कर दिया, वो हाइट है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहां से और बता दें, और बताने लगेंगे तो फिर हाइड्रोलिक्स में घुसना पड़ेगा। नहीं आप लोग इतने ही तक याद रखिए, नहीं हाइड्रोलिक्स में घुसाएंगे नहीं यहाँ पे। इसमें बहुत सारा टर्म पढ़ना है, जब इंजीनियरिंग करने लगेगा ना, हम लोग पढ़े हैं बहुत सारा चीज पढ़े इसमें, जब सिविल इंजीनियरिंग हम लोग कर रहे थे तो इसमें पूरा इतना इसमें पढ़े ना, ग्रेडियंट हाइट, फिर बहुत लंडफंद इतना चीज पढ़े ना, इसका एक अलग ही टॉपिक है। जैसे हम आप लोगों को बताते हैं फिजी, जो अगर मान लीजिए कि पॉलिटेक्निक, भगवान करे कि आप लोगों का पॉलिटेक्निक निकल जाए,
अगर पॉलिटेक्निक निकल गया और सिविल ब्रांच लीजिएगा ना, तो जो टॉपिक अभी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं ना, यही टॉपिक वहां भी पढ़ना, और यही एक टॉपिक जैसे यहाँ हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं एमजीएच, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड एगो पूरा चैप्टर मिलेगा। एगो पूरा हाइड्रोलिक्स का बुक है, एगो पूरा मैकेनिक्स का बुक है, पूरा पढ़ना एकदम, मतलब पूरा ऐसा करके निचोड़ के निकाल देना। अगर मेरे को टाइम मिला तो हम आप लोग पढ़ाएंगे, अगर टाइम नहीं मिला तो फिर आप लोग को कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो बस पोटेंशियल एनर्जी को यहीं तक रखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी आई होप समझ चुके होंगे, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ अगर, मतलब अभी थोड़ा ऐसा आप लोग को बताने की कोशिश कर रहे हैं जो ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर इम्पोर्टेंट हो। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी का क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे देखिए कोई भी यहाँ एक अर्थ है, इस अर्थ से कुछ पत्थर को उठा के ऊपर हम लोग कर दिए, जैसे हथेली पर क्या किए, हथेली पर एक पत्थर उठाए और ऊपर ले गए। हथेली पर कैसे दिखाएं आप लोग को, ऐसे देखिए ये हथेली है, यहाँ पे पत्थर रखे, इसको इसको अपना ऊपर ले गए, ऐसे कर दिए। तो ऊपर ले जाने के बाद जितना जितना अर्थ सरफेस से जितना ऊपर गए हैं वो हाइट, और ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट का मास गुणे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तीनों को जब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना प्रोडक्ट उसका निकलेगा वही इस ऑब्जेक्ट में क्या है, इनर्जी जेनरेट हो जाएगा, पोटेंशियल इनर्जी जेनरेट हो जाएगा। ठीक, तो पोटेंशियल इनर्जी जैसे ही जेनरेट हुआ तो जैसे ही इसमें जेनरेट हो गया इनर्जी, तो इसमें वर्क करने का कैपेसिटी आ जाएगा, और वर्क करने का कैपेसिटी आ जाएगा, और उसको चेक करना है कि सच में वर्क करने का कैपेसिटी आ जा रहा है। तो जो ये नीचे हाथ लगा के रोके हुए हैं इसको, नीचे से इसको हम लोग रोक रहे हैं, नीचे नहीं जाने दे रहे, इसको हम लोग क्या करते हैं यहां से हटा देंगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि आखिर इसमें कितना एनर्जी जनरेट हुआ। एनर्जी जनरेट हुआ तब तो ये नीचे गिर गया, तो ये नीचे कैसे गिरा, क्योंकि इसमें एनर्जी जनरेट हो गया, एनर्जी जनरेट हुआ, एनर्जी अपना दिखा दिया। और अगर देखना चाहते हैं तो ये जो नीचे हार्ड सरफेस है, इस हार्ड सरफेस को यहां से हटा दीजिए, नीचे कुछ ऐसा सरफेस लगाइए मुलायम सरफेस, ताकि ये नीचे जाके तो यहां से और दिख सकता है कि इसमें और कितना इसमें पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हुआ। तो पोटेंशियल एनर्जी का पहला एग्जाम्पल क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊंचाई पर है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाता है। और जैसे मान लीजिए तालाब उलाब है, तालाब उलाब में पानी भर के पूरा रखे हुए हैं आप लोग मछली मारने के लिए, तो उसमें भी क्या, उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो रहा है। अगर उसको चेक करना है तो कहीं थोड़ा सा क्या कीजिए, आरी हो या मिट्टी हो उसको खन के निकाल दीजिए ना, वहां से टोटल पानी निकलना भाग बाहर शुरू हो जाएगा। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी तो उस पानी में स्टोर करके आप लोग रखे हुए हैं, अगर उसको जहां भी दिखाने को जगह मिले तुरंत अपना दिखा देगा। जैसे आप लोग को अगर मान लीजिए कि नॉलेज पूरा ज्ञान भरा हुआ है दिमाग में, और अगर आप लोग को कहीं भी मौका मिले ना कि नॉलेज दिखाने के लिए, तो तुरंत वहां क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी में होता है। और बिजली उजली बनाने के लिए जहां पे बड़ा बड़ा डैम में पानी स्टोर किया जाता है, उसमें भी क्या, उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी रहता है। फिर आप लोग के घर के ऊपर टंकी लगा होगा, टंकी में पानी भराता होगा, तो वहां पे पानी भरा रहा है तो वहां से और आप लोग देखते होंगे ना कि आप लोग ये भी देखते होंगे कि पानी का टंकी ऊपर है लेकिन वो उसके थ्रू पाइप सब जुड़ा हुआ है, और पाइप से हर एक रूम में आप लोग तक पानी पहुंच रहा है। तो ऐसे कैसे कैसे पहुंच रहा है वैसे पानी, तो वो जो टंकी है उस टंकी में आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया है, पानी उसमें भर दिया तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी खुद ही आ गया अपने आप, और वो फिर पोटेंशियल एनर्जी धीरे 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 क्या करता है, दूसरा एनर्जी में चेंज होके और हम लोग नल खोलते हैं तो नल तक पानी पहुंच जाता है। लेकिन उस टंकी में कौन सा एनर्जी स्टोर है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, तो ये सब याद रखिएगा। फिर आप लोग गाड़ी उड़ी चलाते होंगे, जो बचपन में गाड़ी चलाते थे ना, वो जो 10 रुपए का मिलता था जिसमें चाबी वाला गाड़ी बोलते थे, उसमें क्या कि चाबी ऐसे ऐसे ऐंठते थे और ऐंठ के छोड़ देने के बाद ना वो कुछ दूर तक चले जाता था। तो उसमें भी जब जिस टाइम चाबी ऐंठते थे तो उसके अंदर एक स्प्रिंग लगा हुआ रहता था, वो स्प्रिंग क्या करता था पूरा मुड़ जाता था, मुड़ने के बाद उसमें एनर्जी स्टोर हो जाता था उस टाइम, और वो कौन सा एनर्जी रहता था, वही एनर्जी रहता था पोटेंशियल एनर्जी। उसमें कौन सा एनर्जी स्टोर हो जाता था, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता था। आई होप पोटेंशियल एनर्जी के बारे में फुल्ली नॉलेज मिल गया होगा, फुल्ली तो नहीं बोल सकते हैं तब भी हद तक, जहां तक आप लोग अच्छे से समझ पाए वहां तक, मतलब कि हम इतना बता दिए कि आप लोग को एग्जाम में इतना से बाहर पूछेगा नहीं। ठीक, अब थोड़ा आते हैं काइनेटिक एनर्जी में। ठीक, देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या है,
यहीं से लिखते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी एक आते हैं, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या आता है, गतिज ऊर्जा। क्या गतिज ऊर्जा, देखिए ये भी एक ऊर्जा का ही टाइप है। अब यहाँ आ गया एक अलग, उस टाइम हम लोग पोटेंशियल एनर्जी देखे, अब देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। तो सुनिए लेक्चर सुनिए पहले, काइनेटिक एनर्जी उसी को बोलते हैं, एकदम आराम से वीडियो देखना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं, एकदम मस्त से मजाक से हंसी मजाक से बस देखना है और उसको दिमाग में घुसाना है। ये नहीं कि कोई उसको गाली दे रहा है तो उसको गाली दे रहा है, उसको ये बोल रहा है उसको वो बोल रहा है, वो ऐसा कुछ नहीं करना, मस्त से एकदम चिल होके पूरे वीडियो देखिए, कोई इतना टेंशन नहीं लेना है अभी। हाँ लेकिन समझ में आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा तो फिर उसका उपाय करेंगे, घोल के पिलाएंगे आप लोग को। सत्तू नॉलेज नहीं, सत्तू, वैसे भी गर्मी है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी किसको बोलते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आता है, काइनेटिक एनर्जी कोई भी वो ऑब्जेक्ट मोशन करने लगता है तो मोशन करते 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 उसमें क्या जनरेट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो जाता है। मतलब कि मोशन जितना भी मोशन कर रहा है, जितना भी गति में है ऑब्जेक्ट, उसमें क्या है, उसमें काइनेटिक एनर्जी स्टोर है। ठीक, कोई भी ऑब्जेक्ट में गति के चलते जो एनर्जी स्टोर हो जाता है, जो एनर्जी जनरेट हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग गतिज ऊर्जा। अब काइनेटिक एनर्जी देखिए, काइनेटिक एनर्जी को के से डिनोट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पे एम बराबर क्या है, मास है, जो ऑब्जेक्ट मोशन में उसका मास है, और वी बराबर क्या है, वेलोसिटी, मतलब कि गति, कि कितना वेलोसिटी से गति कर रहा है, वो हम लोग को क्या है, वो है भी, और हाफ एम यूज कर। यहां से आप लोग को थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा इसका एग्जांपल बता देते हैं। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी कैसे, आप लोग साइकिल चलाते हैं, पर डे साइकिल चलाते होंगे, बहुत बहुत लोग होंगे जो दौड़ते भी होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे सुबह सुबह, पूरा शरीर में एकदम एनर्जी स्टोर कर लेते होंगे, हथौड़ा चलाते होंगे, तो ये सब में क्या है, ये सब में गतिज ऊर्जा है, बहता हुआ पानी, जितना भी पानी बह रहा है सब में क्या है, सब में काइनेटिक एनर्जी है, ऊपर से नीचे पानी गिर रहा है उसमें भी काइनेटिक एनर्जी है, डैम से पानी नीचे गिरा उसमें भी काइनेटिक एनर्जी, अहरा पोखरा से पानी बाहर निकाल रहे हैं मछली मार के तो भी क्या है, उसमें भी काइनेटिक एनर्जी है, चलता हुआ ट्रेन है उसमें भी काइनेटिक एनर्जी है। मतलब काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब क्या है, जितना ऑब्जेक्ट मोशन में सब में काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। यहां से आप लोग इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है ना कि मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी में कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, उसमें वेलोसिटी को हम लोग को क्या किए, वेलोसिटी को दुगुना कर दिए, वेलोसिटी को टू टाइम्स बढ़ा दिए, टू टाइम्स क्या किए, इंक्रीज कर दिए, बढ़ा दिए, तो उसका काइनेटिक एनर्जी में कितना इफेक्ट पड़ा। तो बाबा साहेब यहाँ देखिए हाफ क्या कर देना है एम, और काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज किए हैं, पहले से दोगुना किए हैं, तो पहले क्या था भी, अब क्या कर दिए, टू भी कर दिए, तो टू भी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से करेंगे हाफ एम भी स्क्वायर, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, दो दूनी चार भी स्क्वायर। अब इसको सजा देते हैं, चार को आराम से बाहर, अभी काट कुट नहीं करते हैं, चार को बाहर ले आते हैं आराम से और लिखते हैं क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग में कितना था हम लोग को, हाफ एम वी स्क्वायर, फिर हम लोग को क्या आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर हम लोग वेलोसिटी को टू टाइम्स इंक्रीज कर दिए तो पहले के कंपेयर में काइनेटिक एनर्जी चार गुना क्या हो गया, फोर टाइम्स ज्यादा हो गया। तो इसी टाइप से आप लोग को पूछता है, कभी कभी ना पूछ देगा कि वेलोसिटी को हम लोग क्या कर दिए, आधा कर दिए, हाफ कर दिए, हाफ वेलोसिटी को आधा कर दिए, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी उस पर क्या इफेक्ट होगा, तो इसको बताइएगा, अगर हाफ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, नीचे कमेंट करके बताना है जरूर। अब देखिए ये तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में, कभी कभी ना यहाँ से आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन एक चीज दे देगी और पूछ देता है, तो थोड़ा इसके बीच में भी चर्चा कर लेते हैं। अब चर्चा कर ही रहे हैं चाय पे चर्चा, तो इस पे भी चर्चा, चाय पे चर्चा नहीं, एनर्जी पे चर्चा कर रहे हैं, एनर्जी ऊर्जा पे चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए इसमें भी देख ही लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा पोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहे, मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम रखते हैं, मोमेंटम को पी से जनरली डिनोट करते हैं, मोमेंटम बराबर क्या आता है,
संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग, मतलब पी बराबर एम वी। कभी कभी पूछ देता है कि काइनेटिक इनर्जी और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन है, तो इसके बीच में भी रिलेशन बता देते हैं आप लोगों को। तो मोमेंटम बराबर क्या था, संवेग बराबर द्रव्यमान मास गुने वेलोसिटी। तो याद रखिएगा इस दोनों के बीच में रिलेशन पहले निकालने के लिए सिखाते हैं। काइनेटिक इनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और यहां से हम लोग क्या करते हैं ना कि वेलोसिटी बराबर निकाल देते। तो वेलोसिटी बराबर क्या आ जाएगा, पी बट्टा एम बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। अब ये भी बराबर यहाँ पुट कर देते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, हाफ एम, और भी बराबर क्या है, पी बटा एम। तो यहाँ गुने क्या हो जाएगा, अब भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर बटा एम स्क्वायर। ये एगो एम से ये गो ए एम कैंसिल हुआ, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला, काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बटा टू एम। ये ना ये समझिए क्या हम इसको बोले, इसको बोलते हैं ना कि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज हम आज आप लोग को ये चीज सिखाए, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, पी स्क्वायर बटा टू एम, काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बटा टू एम। तो यहां से आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ना कि अगर हम लोग मोमेंटम को, जो संवेग है, मोमेंटम मतलब क्या होता है, संवेग, संवेग को अगर हम लोग चार गुना कर दिए, चार गुना क्या किए, बढ़ा दिए, फोर टाइम्स बढ़ा दिए, तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहां से ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो ध्यान रखिए हम लोग क्या किए, मोमेंटम को चार गुना बढ़ाए, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आ जाएगा, चार के स्क्वायर, फोर पी, पहले से क्या किए, चार गुना बढ़ा दिए, मतलब फोर पी स्क्वायर बटा नीचे होगा टू एम। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आ जाएगा, चार चौका सोलह पी स्क्वायर बटा टू एम। तो देखिए पहले कितना था, पी स्क्वायर बटा टू एम, और जब हम लोग उसका वेलोसिटी, सॉरी उसका हम लोग मोमेंटम चार गुना कर दिए, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना गुना बढ़ गया, सोलह गुना बढ़ गया। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन कैसे निकलता है। और इसको हल्का में मत लीजिएगा, ये कहा कि अगर हल्का में आप लीजिएगा ना तो ये आपको भी हल्का कर देगा बहुत एकदम, तो इसको हल्का में नहीं लेना है। तो काइनेटिक एनर्जी पढ़े, पोटेंशियल एनर्जी पढ़े, एनर्जी क्या होता है, और एक चीज और याद रखिएगा कि एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, एनर्जी को, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, न तो एनर्जी को हम लोग निर्माण कर सकते हैं, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है, न तो एनर्जी को हम लोग निर्माण कर सकते हैं, न एनर्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग एनर्जी को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। आप लोग के घर में गैस जलता होगा, गैस बोलते हैं क्या, खत्म हो गया, गैस खत्म नहीं हुआ है बाबू, उसको हम लोग क्या किए, गैस एक एनर्जी के रूप में था, एनर्जी के फॉर्म में था, उसको हम लोग क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में, गैस लिक्विड फॉर्म में था, फिर उससे हम लोग क्या किए, हीट जनरेट किए, कुछ कुछ लाइट भी जनरेट किए, उससे वहां बैठ के पढ़ नहीं रहे थे, बस केवल लाइट दे रहा था, उससे कुछ कुछ कार्बन भी जनरेट किया, जिससे देखिएगा कभी कभी कुकर उकर काला पड़ जाता है। तो यही सब है, तो फिर क्या, अब इसको यहीं तक छोड़ते हैं, इसके बाद फिर अगले वीडियो में फिर और देखते हैं और उसमें चर्चा करेंगे, एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे, और 10 बजे एक वीडियो अपलोड करेंगे, उसको भी जरूर देखिएगा। ठीक, बस आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक बार में नहीं समझ में आता दो बार देखिए, मजा आएगा देखने में मजा। ठीक, अच्छा से आप लोग को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ऐसा पढ़ाने की कोशिश करते हैं, हर एक लैंग्वेज का यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि सब केवल साइंस का ही लैंग्वेज यूज करें, नहीं, आप लोग का जो रिलेटेड है, घर से रिलेटेड है, उससे भी रिलेट करवाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को अच्छा से समझें, रटे नहीं, क्या करें, अच्छा से समझें। ठीक, थैंक यू।